हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ड्राइंग बाय केके में स्वागत है। और आज मैं आप सभी को टॉपिक हाउ टू ड्रॉ गिवन आइसोमेट्रिक व्यू बाय यूजिंग सेट स्क्वायर का एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम में हमें एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है, जिसमें देखिए आपका फ्रंट व्यू जो है आपको राइट साइड दिया गया है और साइड व्यू लेफ्ट साइड, और इसके ऊपर में टॉप व्यू दिया गया है। और अकॉर्डिंग टू डायमेंशन हमें इस आइसोमेट्रिक व्यू को सेट स्क्वायर की सहायता से ड्रॉ करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले वर्टिकल लाइन का रेफरेंस से प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करूंगा, और इसके बाद एक और लाइन ड्रॉ करूंगा। इसमें ऊपर का जो लाइन होगा वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन और नीचे रेफरेंस लाइन। इसके बाद हमें रेफरेंस लाइन में सेट स्क्वायर को इस प्रकार सेट करना है, और सेट करके प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन पे एक पॉइंट लेना है, जिस पॉइंट से मैं आइसोमेट्रिक व्यू को ड्रॉ करूंगा। इसके बाद राइट साइड जेड एक्सिस ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री में, और इसके बाद लेफ्ट साइड वाई एक्सिस एक्स एक्सिस 30 डिग्री में ड्रॉ करेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे जो एक्स एक्सिस का डायमेंशन दिया गया है 40 mm, तो मैं इसे 40 mm मेजर कर लूँगा, और मेजर करके 40 mm में पॉइंट लूँगा, और इसके बाद जेड एक्सिस में हमें डायमेंशन दिया गया है 60 mm, तो मैं यहाँ 60 mm में पॉइंट ले लूँगा, और इसके बाद पॉइंट के बाद जो एक्स्ट्रा लाइन होगा उसे इरेज कर लेंगे। इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन में सेट करेंगे। और इसके बाद वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार स्लाइड करते हुए तीनों पॉइंट में वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, और इसके बाद वाई एक्सिस का जो डायमेंशन दिया गया है हमें यहाँ पे 15 mm, तो हमें यहाँ पे 15 mm पॉइंट लेना है, और इसके बाद यहाँ डायमेंशन दिया गया हमें 35 mm, तो मैं यहाँ 35 mm में मार्क कर लूँगा, और इसके बाद इधर भी 35 mm लेफ्ट साइड वाई एक्सिस में, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे इरेज कर लेंगे। इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन में इस प्रकार सेट करेंगे, और दूसरे सेट स्क्वायर से हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल 30 डिग्री में लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद ऊपर के पॉइंट से ऊपर की ओर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद यहाँ देखिए डायमेंशन हमें दिया गया 10 mm,
तो यहाँ मैं 10 mm पॉइंट लूँगा। और यहाँ हमें दिया गया है 40 mm, तो इसमें हमें देखिए यहाँ से 10 mm, फिर इसके बाद 15 mm, फिर इसके बाद 15 mm। तो मैं यहाँ से पहला 10 mm पॉइंट लेता हूँ, फिर इसके बाद 15 mm, और इसके बाद फिर 15 mm। तो ये टोटल हमारा 40 mm। इसके बाद एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर लेंगे। इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन में सेट करना है। और इसके बाद इस पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल 90 डिग्री में लाइन ड्रॉ करना है। और इसके बाद हमें इस परपेंडिकुलर लाइन में डायमेंशन लेना है। तो इसके लिए यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिया गया 20 mm और ये 15 mm, तो मैं यहाँ 20 से 15 माइनस कर लूँगा, तो ये हमारा 5 mm होगा। तो हमें यहाँ से 5 mm पॉइंट लेना है वर्टिकल लाइन में। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे इरेज कर लेंगे। इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन में सेट करने के बाद हमें इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। और इसके बाद इसका जो डायमेंशन हमें दिया गया है 15 mm, तो मैं यहाँ 15 mm मेजर करके पॉइंट ले लूँगा। और इसके बाद एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर लेंगे। इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन में सेट करेंगे। और इसके बाद इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल 30 डिग्री में नीचे की ओर लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद ये जो इंक्लाइंड लाइन है, सभी लाइन को हमें इस प्रकार एक दूसरे को मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि इसका यह हमें एंगल में नहीं दिया गया है। तो मैं इसे इस प्रकार सेट करके और इसके बाद सभी ऑब्जेक्ट लाइन को स्केल या सेट स्क्वायर की सहायता से HB पेंसिल के द्वारा हम डार्क कर लेंगे इसे।
और इसके बाद जो हमने प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन और रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया था उसे इरेज कर लेंगे। इसके बाद डायमेंशन लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करना होगा, जो ऑब्जेक्ट लाइन से 2 या 3 mm गैप छोड़ के हमें इस प्रकार ड्रॉ करना है एक्सटेंशन लाइन। इसके पैरेलल 30 डिग्री जेड एक्सिस के पैरेलल इस प्रकार सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद अब मैं एक्सटेंशन लाइन और इसके बाद सेट स्क्वायर को इस प्रकार सेट करते हुए डायमेंशन लाइन जो कि ऑब्जेक्ट लाइन से थिन होगा इस प्रकार ड्रॉ करेंगे सावधानी पूर्वक। और सभी एक्सटेंशन लाइन जो होंगे वो ऑब्जेक्ट लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ करना है। इसके बाद डायमेंशन लाइन के दोनों एंड पॉइंट में मैं एरो हेड ड्रॉ करूँगा जिसका रेशियो 1:3 में ड्रॉ करना है। और सभी एरो हेड जो होगा वो इक्वल साइज का हमें ड्रॉ करना है। और इसको एरो को अच्छी तरह फील्ड अप करना है। इसके बाद डायमेंशन लाइन के ऊपर हम डायमेंशन वैल्यू को लिखेंगे जो कि डायमेंशन लाइन के ऊपर होगा और सेंटर में और वर्टिकल लिखना है इसे।
इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को इस प्रकार वर्टिकल लाइन के रिफरेंस में सेट करके 30 डिग्री में लेफ्ट साइड फ्रंट व्यू को दिखाने के लिए एरो ड्रॉ करेंगे और इसके बाद राइट साइड 30 डिग्री में, इसके बाद दोनों में एरो हेड ड्रॉ करेंगे इसके बाद इस एरो हेड के नीचे साइड व्यू और यहाँ फ्रंट व्यू और इसके बाद जितना भी डायमेंशन हमने जो लिया है वो सारा एमएम में है, तो मैं इसके लिए इसके नीचे ऑल डायमेंशन डायमेंशंस आर इन एमएम लिखना है। तो इस प्रकार आप दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू को देखकर सेट स्क्वायर की सहायता से आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। आशा करता हूँ सभी को दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू को देखकर सेट स्क्वायर की सहायता से ड्रॉ करने के लिए आ गया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपके फ्रेंड्स जिन्हें इस प्रकार की वीडियो की ज़रूरत है तो उन्हें शेयर करिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।